तो बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां महानगर ओलंपिया जिम में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, तो भारी पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद हुए हैं। आपको बता दें कि आग में एक युवक झुलसा है, झुलसे व्यक्ति की सिविल अस्पताल में मौत हुई है। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां महानगर ओलंपिया जिम में भीषण आग लगी है। आपको बता दें कि आग में एक व्यक्ति भी झुलसा है और झुलसे व्यक्ति की सिविल अस्पताल में मौत हो गई है। आग पर फिलहाल काबू पा लिया है और बिल्डिंग में फंसे कई लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। तो अब तक जिम से 15 लोगों को बाहर निकाला गया है। आग लगने के कारण फिलहाल अज्ञात बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां महानगर ओलंपिया जिम में भीषण आग लगी है। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद हैं, तो भारी पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद है। आपको बता दें कि आग की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तो आग पर काबू पाया गया है, बिल्डिंग में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। तो अब तक जिम से 15 लोगों को बाहर निकाला गया है और आग लगने के कारण फिलहाल अज्ञात बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां महानगर ओलंपिया जिम में भीषण आग लगी है। आपको बता दें कि मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद हैं, तो भारी पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद है। तो आपको बता दें कि आग लगने से एक व्यक्ति झुलसा है, जिसकी सिविल अस्पताल में मौत हो गई है। फिलहाल आग पर काबू पाया गया है, बिल्डिंग में कई लोग जो फंसे हुए थे उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। अब तक जिम से 15 लोगों को बाहर निकाला गया है। तो आग लगने के कारण फिलहाल अज्ञात बताए जा रहे हैं। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता अविनाश जुड़ चुका है। अविनाश, कैसे यह हादसा हुआ, फिलहाल अभी क्या कुछ स्थिति है? महानगर ओलंपिया जिम में अभी कुछ ही देर पहले कह सकते हैं कि जिस तरीके से एक भीषण आग लगी, जिसके बाद मौके पर तमाम दमकल की गाड़ियां वहां पर मौजूद हुई और तमाम जो रेस्क्यू किया गया, जिसमें 15 से लोगों को अधिक वहां से निकाला गया। उसके बाद जिस तरीके से एक युवक की अधिक झुलस जाने के बाद सिविल हॉस्पिटल में जब उसको इलाज के दौरान ले जाया गया, तो वहां पर उसकी मौत हो गई। हालांकि पूरा जो रेस्क्यू था वो अब खत्म हो गया। हालांकि मौके पर तमाम जो दमकल की गाड़ियां थी, 18 से अधिक जो दमकल की गाड़ियां, वो वहां पर मौके पर जो है पहुंची थी। तमाम पुलिस बल वहां पर, फोर्स वहां पर मौजूद थे। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा होगा कि लगातार लखनऊ में कुछ ही महीने पहले लेवाना अग्निकांड हुआ था, जिसमें कुछ लोगों की झुलसने के बाद मौतें हुई थी। तो इस तरीके से कह सकते हैं लगातार लखनऊ में जिस तरीके से अग्निकांड हो रहा है, उसको लेकर प्रशासन को तमाम उस तरीके के कड़े निर्देश जारी करने चाहिए। साथ ही आपको यह भी बता दें, प्रथम दृष्टया आग लगने के कारण बैटरी के फटने की बताई जा रही है, जिसमें एक युवक की जो है गंभीर हालत में जब सिविल हॉस्पिटल लाया गया तो उसके इलाज के दौरान मौत हो गई। मामला लखनऊ के महानगर क्षेत्र का है। आपको ये भी बता दें कि जहां पर घटना हो उसके कुछ ही दूर पर फायर स्टेशन था, जिसके कारण जो दमकल की जो गाड़ियां थी वहां पर मौके पर पहुंची और जल्द ही वहां पर रेस्क्यू किया गया और तमाम जो लोग अंदर फंसे हुए थे उनको 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिसमें एक लोगों की जो है सिविल अस्पताल में मौत हो गई। अविनाश, अगर बात करें तो कितने बजे की ये घटना है? इसके अलावा जिस अपार्टमेंट और जिस बिल्डिंग में ये हादसा हुआ, उस बिल्डिंग में जिम कौन से फ्लोर पर था? फर्स्ट फ्लोर पर था या ग्राउंड फ्लोर पर था? किस फ्लोर पर ये आग लगी है? देखिए, ये लखनऊ के महानगर में ओलंपिया जिम नाम से यहाँ पर जो एक बेसमेंट है, बताया जा रहा है कि ये जो है सेकेंड बेसमेंट में यहाँ पर जो है ओलंपिया जिम यहाँ पर था, जिसमें आज अचानक जब भीषण आग लग गई। हालांकि प्रथम दृष्टया जो लोगों का मानना है वो कि वहां पर बैटरी फटने के कारण जो है आग लगने की ये घटना सामने हुई, जिस पर मौके पर वहां पर जो है फायर ब्रिगेड की तमाम जो है गाड़ियां वहां पर रेस्क्यू की और तमाम जो लोग अंदर फंसे हुए थे उस जिम में उनको कुछ लोगों को जो है 14 लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया है, जिसमें से एक युवक गंभीर रूप से झुलस गया था, जिसको सिविल हॉस्पिटल में वहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि लखनऊ में तमाम जिस तरीके से जो अपार्टमेंट है या जो बिल्डिंगे हैं वहां पर इस तरीके के आए दिन जिस तरीके से अग्निकांड होता है, तो कह सकते हैं कि लगातार इस तरीके से जो प्रशासन है, एलडीए, जिस तरीके से तमाम दावे करता है कि जो मानक है, जो फायर ब्रिगेड के तमाम तरीके के जो उपकरण है वो मानक जो है कहीं ना कहीं जब कोई कांड होता है तो उसके बाद उसको अधिकारियों को जो है तमाम तरीके के निर्देश दिए जाते हैं कि उन पर कार्रवाई। लेकिन हकीकत यही है कि एक दूसरा कुछ महीनों बाद लेवाना अग्निकांड के बाद ये दूसरा जो है अग्निकांड है, जिसमें एक युवक की मौत हो जाती है। अविनाश, अगर बात करें तो हमने देखा है कि जब भी कोई कमर्शियल बिल्डिंग होती है जो कि इस तरह से व्यावसायिक गतिविधियों के लिए उपयोग में होती है, वहां हम देखते हैं कि दो गेट होते हैं, एक एंट्री गेट होता है, एक एग्जिट गेट होता है। क्या इस बिल्डिंग में भी इस तरह की व्यवस्था थी? यदि नहीं थी तो अब पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों पर किस तरह की कार्रवाई करेगा?
देखिए सूत्रों की माने तो जो फायर के जो मानक होते हैं वो बिल्डिंग में मौजूद नहीं थे, जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हुआ। तमाम जो उसमें लोग फंसे हुए थे, हालांकि वहां पर मौके पर रेस्क्यू किया गया, उनको बाहर सुरक्षित निकाला गया, लेकिन एक व्यक्ति को अपने उस पूरे अग्निकांड में जान गंवानी पड़ी। हालांकि जिस तरीके से ये घटना हुई है, आपको बता दें महानगर का एक पौश इलाका माना जाता है और वहां से कुछ ही चंद कदमों की दूरी पर फायर स्टेशन है, तो इसी की वजह रही कि जल्द समय रहते वहां पर रेस्क्यू किया गया और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। लेकिन जिस तरीके से लगातार कुछ महीनों बाद अपने लेवाना अग्निकांड के बाद ये दूसरा जो अग्निकांड है, इसमें जो प्रशासन को तमाम तरीके के जो उपकरण होने चाहिए फायर ब्रिगेड के लिए, जो मानक तय किए गए हैं, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जब भी इस तरीके कांड होता है तो उसमें अगर जो है देखा जाता है तो उसमें तमाम तरीके की कमियां पाई जाती है, जिसका नतीजा है कि इतना बड़ा जो दूसरा ये कांड आप लखनऊ में देख रहे हैं। जी अविनाश, धन्यवाद आपको इस पर अधिक जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी अविनाश ने जानकारी दी, पूरे मामले में कहीं ना कहीं लापरवाही सामने आई है और जो मानक होते हैं मानकों का यहां पर पालन नहीं किया गया, जिसके चलते इस तरह के हादसा एक बार फिर से सामने आया है।